इस्कॉन मंदिर के तरफ हम लोग जाते हुए। आपको चप्पल जूता यहीं पे जमा करना होगा। यहाँ पे आप अपना हाथ धो सकते हैं और यहाँ पे आप अपना पैर धोते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे।
और यहाँ राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए हम अपने रांची शहर के तरफ हो लिए। ये नंदी हिल्स है। ये किया का फैक्ट्री है। देखिए बहुत लंबी जाम की कतार है यहाँ पे। बताएंगे और इस बार हम जिस रूट से आए थे उड़ीसा होकर, इस बार हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ से। इस बार हम नागपुर रूट से जा रहे हैं क्योंकि पिछले बार हम स्टे किए थे जगदलपुर में। इस बार हमें स्टे नहीं करना है, लगातार चलना है क्योंकि इस बार हमें ये जो होम सिकनेस हो गई, हमें घर पहुंचने में अच्छे से दिन के वक्त कैप्चर नहीं कर पाई। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है और ये 216 फीट ऊंची स्टैचू है जो हैदराबाद
के आउटसाइड में बना हुआ है और मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इसके भीतर जा सकूं। ये मुझे आने वक्त भी मिला था और आने वक्त भी ऐसा ही माहौल मिला कि मैं जा नहीं पाई, और आते वक्त भी काफी रात हो गया था कि मैं इसमें जा नहीं पाई। हेलो, हाय, वेरी। आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है। और जन्मदिन के अवसर पे बन रहा है वही मैगी, यही बन सकता है रात। हम इस जगह रुके हैं अभी खाना खाने के लिए। और टाइम हो रहा है 3:02। खाना मैंने खा लिया है और अभी वो दोनों खाना खा ही रहे हैं। और इस बार हम लोग जिस रूट से बेंगलोर गए थे उस रूट से वापस नहीं आए, क्योंकि हम वहाँ से बेंगलोर से लगभग 3:00 के दोपहर में निकले, तो हमें उस रास्ते में तेलंगाना क्रॉस करना पड़ता, और तेलंगाना रात में क्रॉस करना काफ़ी डेंजर रहता क्योंकि जंगल का रास्ता है और नक्सली इलाका है। तो जिस वजह से हमने आने के वक्त, उधर से रिटर्न आने के वक्त ये वाला रूट चूज़ किया, क्योंकि इधर से हमें तेलंगाना नहीं क्रॉस करना पड़ता। तो और पिछले बार हम जब बेंगलोर जा रहे थे तो हम जगदलपुर में स्टे कर गए और मॉर्निंग में निकले वहाँ से 3:30 मॉर्निंग में, तो हमें लगभग तेलंगाना मॉर्निंग में हमने क्रॉस किया, रात में हमें क्रॉस नहीं करना पड़ा, तो जिसके वजह से हमें कोई टेंशन नहीं रहा। और इस बार हमें स्टे नहीं करना था जिसके वजह से हमने ये इस वाले रूट को चूज़ किया। मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी बाय रोड इतनी दूर पहली बार ट्रेवल कर रही थी, तो ये सारी जानकारी मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या इधर उधर वीडियो देख के इकट्ठा करना चाहती थी। तो मेरे ये क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मेरे जो क्वेश्चन थे अगले के भी वही क्वेश्चन होंगे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अगली बार अगर कोई भी इस रूट में आए या किन्हीं को ज़रूरत पड़े तो उन्हें मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो यही कारण है कि इस बार हमने उस रूट को नहीं चुना और इस रूट को चुना। लेकिन मैं अगर बताऊं इस रूट की बात, तो मुझे लगता है कि इस रूट से बेहतर वो रूट था ट्रैफिक का मामले में भी और सुंदरता के मामले में भी, क्योंकि इस रोड में हमें पूरे रास्ते ट्रैफिक को झेलना पड़ा है। काफ़ी झेलने वाला रास्ता है ये। अगर आप ऐसे टाइमिंग में निकलते हो कि आपको हैदराबाद पहुंचते पहुंचते 1-2 रात होता है, तो आप 1 का स्टे करके उसके बाद निकलते हो, तो आपको तेलंगाना मॉर्निंग के टाइम में पड़ता है, तो कोई टेंशन नहीं होगा।
तो ऐसा आप रूटीन बना के निकलते हो तो कोई टेंशन नहीं है, पर हमारा रूटीन ऐसा बना था कि हम हैदराबाद पहुंच जा रहे थे लगभग 10 बजे, तो फिर क्या होता कि 10 बजे से लगभग 3 बजे तक हमें वेट करना पड़ता, गाड़ी हमारी खड़ी रहती, और इस बार हमारा स्टे का कोई प्लान नहीं था तो हमारा उतना टाइम वेस्ट हो रहा होता, तो जिस वजह से हमने इस रूट को सेलेक्ट किया क्योंकि हमें स्टे नहीं करना था। बस यही सब कारण है और यही सब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था जो मैंने किया, जो मुझे ठीक लगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो रूट ज़्यादा बेहतर है। आपकी गाड़ी एक स्पीड लिमिट आपको उड़ीसा में मिलेगा, लेकिन आपकी फ्लो में चलेगी गाड़ी, आपको ट्रैफिक जैम नहीं देखने पड़ेंगे, ओवर क्राउडेड जगह नहीं मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी अगर आप रुकते हो। थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, आप रुकते हो थोड़ा इंजॉय करते हुए नेचर को जाना चाहते हो तो वो रूट बेटर है, उसमें गाड़ी भी बहुत कम ही आना जाना करती है। तो आप उस हिसाब का अगर टाइम टेबल बना के जाते हो कि आप तेलंगाना क्रॉस करो तो आपको मॉर्निंग का टाइम मिले, आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग टाइम में हो जाए, तो इस हिसाब से आप उस रूट से आओ तो वो रूट ज़्यादा बेहतर है। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो टायर चेंज कर रहे हैं हम लोग। हमारे दोस्त जन्मदिन के अवसर पे टायर चेंज करते हुए। टायर हमारी लग चुकी है और ये सब चीज का आप आते वक्त ध्यान रखें कि आपको चेंज करना आता है कि नहीं टायर, और समय समय पे आप रुक रुक के चेक करें कि आपका टायर ठीक है कि नहीं, जब इतना लॉन्ग जर्नी आप करते हैं तो। और लगातार 2 दिनों तक जगने के कारण से इतना ज़्यादा हम थक गए थे कि मैं आके वीडियो एंड भी नहीं कर पाई घर तक, और वीडियो को ऐसे ही छोड़ दिया। और हाँ, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।